हेलो, आज हम बनाते हैं बेजल सेटिंग। ठीक है, राउंड स्टोन में आपको बेजल सेटिंग का एक ऑलेट बना के मैं दिखाता हूँ, और जो लोग सीख रहे हैं वो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। राउंड में ही दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मार्किस में बनाते हैं। तो सबसे पहले राउंड लिया मैंने 5 mm का, ठीक है, और सर्किल भी लिया 5 mm का। अब मैं सब आपको बता चुका हूँ कि ये सर्किल कहाँ से आता है और राउंड कहाँ से है, ये कर्व कहाँ से आते हैं। तो अब मैं इनका शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। आप ये मत सोचना कि सर्किल लिया कहाँ से, सर्किल लिया, ठीक है, पहले वाले में बता चुका हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑफसेट मैंने मारा 0.8, ठीक है, और अभी मैं डेटाबेस से ही ले रहा हूँ। सेक्शन मैंने बना रखा है, ये बेजल का सेक्शन है, इस तरह से ऊपर से ऐसा मैंने हाफ, मतलब थोड़ा सा स्लांटेड किया हुआ है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए सेक्शन, ताकि बनाने में आसानी रहे। ओके, अभी सेमी स्केल 1, 2 और ये सेक्शन। सीवी मैंने ऊपर के सेलेक्ट किए और यहाँ पे जुलकेट का अधिकतर काम काम जो होता है वो वायर फ्रेम में ही होता है। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ये क्या कर क्या रहे, ठीक है, लेकिन जो काम करता है धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है वायर फ्रेम में करने की, तो उसको सब समझ में आ रहा होता है। ओके, ये लेकिन अभी तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका ये वाला टिप, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो स्टोन तो इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इसको कॉलेट को टेपर करेंगे। ये सब मैं फैसेटेड में बता रहा हूँ अभी आपको, फिर कैब में मैं कैब स्टोन बनाना और उनके कॉलेट वगैरह थोड़े से अलग होते हैं, वो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, अंदर के मैंने सीवी सेलेक्ट किए हैं। देखिए, अंदर के ये जो सीवी हैं सिर्फ वो वाले नीचे, ठीक है, नीचे वाले ये सीवी सेलेक्ट किए हैं, और साइज टूल और इसको साइज कर दिया, ये लीजिए इतना टेपर कर दिया। अभी ऊपर का आईडी अलग है, अंदर का आईडी अलग है, स्टोन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अटपटा लग रहा है ये देखिए। तो बाहर वाला भी ये अंदर के सेलेक्ट कर रखे हैं, और ये जस्ट मैंने शिफ्ट दबा के यूँ किया, अभी अंदर के हैं, अभी बॉक्स बनाया तो अंदर के डिसलेक्ट हो गए, बाहर के सेलेक्ट हो गए। और सेम चीज़ इसको भी थोड़ा सा साइज कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे और वेट भी कम हो जाए। ठीक है, ये हो गया कॉलेट बेजल सेटिंग का सिंपल। कुछ लोग, मतलब कारीगर जो हैं, वो खुद ही काट लेते हैं, जहाँ स्टोन बैठना होता है वहाँ से काट देते हैं, और अगर अपन कैड में काट के देते हैं तो ठीक है, कैड में भी अपन उसको कट लगा के दे सकते हैं। यहाँ से 0.6, डिपेंड करता है स्टोन कौन सी साइज़ का है, उतना अपन इसको ये ऐसा कट कर देंगे, स्टोन जाके यहाँ रुक जाएगा और फिर सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, बट ये नहीं देंगे तो भी हो जाता है, कारीगर अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो प्लीज़ मत बताइए। थैंक यू।